देख रहे हैं NHI News, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। कोरोना की चपेट में मंगल मूर्ति के पंडाल, कारीगर हुए बेहाल, कर्ज लेकर बना रहे हैं मूर्ति। लॉकडाउन के कारण गणेश पंडालों पर लगा प्रतिबंध, रिद्धि सिद्धि के दाता मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश के पंडाल भी कोरोना की चपेट में आने से मूर्ति बनाने वाले कारीगर बेहाल हो गए हैं। भगवान की मूर्ति बेचकर अपना परिवार चलाने वाले कारीगर अब आर्थिक संकट के कारण बेहाल हो गए हैं। सार्वजनिक गणेश पंडालों पर कोरोना के कारण लगे प्रतिबंध से ये कारीगर अब बड़ी प्रतिमा नहीं बना रहे हैं। राजस्थान के पाली जिले के मूल निवासी मूर्ति कारीगरों का यह पांच परिवार रतलाम में मूर्ति बेचने के लिए काफी सालों से आ रहे हैं। इस साल भी इन परिवारों ने अपने इस काम को रतलाम आकर शुरू किया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते जारी हुए लॉकडाउन के कारण ये लोग अपना काम शुरू नहीं कर सके हैं। लॉकडाउन के बाद अनलॉक होने का काम शुरू किया। पांचों परिवार के सभी सदस्य इस उम्मीद के साथ काम में भिड़े कि वो गणेश उत्सव और दुर्गा पूजन में अपनी मेहनत से कुछ कमा लेंगे। लॉकडाउन के कारण जमा पूंजी पेट भरने में ही चली गई। काम शुरू करने के लिए उधार लिया था। सबसे पहले गणेश उत्सव में लगने वाले बड़े बड़े पंडाल के लिए बड़ी मूर्ति तैयार करने का काम शुरू किया। करीब 2 से 2.5 लाख रुपए की बड़ी मूर्ति बना ली थी, लेकिन इस बीच कोरोना महामारी के कारण सरकार द्वारा सार्वजनिक गणेश उत्सव पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई। सरकार की इस घोषणा का असर किसी पर हो न हो, लेकिन मूर्तियां बनाकर बेचने वालों पर बहुत गहरा पड़ा है। लाखों रुपए की भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमाएं अब नहीं बिकेंगी, जिसके कारण इनके द्वारा बनाई मूर्तियों में इनकी कमाई अटक गई। अब इनके सामने छोटी मूर्तियां बनाकर बेचने का काम ही बचा है, जो वो करने भी लग गए हैं, ताकि लिया गया कर्जा उतारने के साथ साथ अपने परिवार को पाला जा सके। परिवार के लोग बताते हैं कि अगर पहले पता होता कि सार्वजनिक गणेश उत्सव नहीं होगा तो वो लोग बड़ी मूर्तियां बनाते ही नहीं। अब हमें होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मूर्ति बनाने वाले कारीगरों के पांच परिवार में लगभग 25 से अधिक लोग हैं। वर्तमान में इनके सामने रोटी का भी संकट खड़ा है। जैसे तैसे ये जीवन का यापन कर रहे हैं। इनको उम्मीद है कि अब भगवान गणेश घर घर में विराजित ज्यादा होंगे, जिससे इनकी छोटी मूर्तियां आसानी से बिक सकेंगी। रतलाम ब्यूरो रिपोर्ट, अभिषेक अग्रवाल। परेशानी तो आ रही है, फिर क्या करे। चलो अब ये सरकार करेगी, उसमें सबके लिए है, हमारे लिए भी है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलिए।